विषय उसमें ढल के बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ये लोग उसको गलत तरीके से ले सकते हैं। काफी चीजें डायरेक्ट तो नहीं बोला जा सकता, तो अपनी तरफ से सही बात रखनी चाहिए। अब लोग क्या लेंगे, अब लोगों के अपने अपने समझ है, अपना अपना दिमाग है, अपने अपने आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से हाँ लोग लेते हैं। वो तो है, लेकिन विषय ऐसा है कि उनमें अगर आप डिटेल ना जाए तो हो सकता है कि उसमें काफी गलत वो अर्थ निकाले या उस तथ्य में जाए। तो इस हाँ, तो विषय में विषय को संक्षेप में रखे ना, किसी भी तो विषय इस को संक्षेप में भी रखा जा सकता है। बहुत लंबा थोड़ी, तीन तीन चार चार घंटे का हो, कोई जरूरी थोड़ी है, चर्चा तो थोड़ी भी हो सकती है। मैं इसी विषय में इसलिए कह रहा हूँ कि कल एक विषय आया था कि जो यादव के बारे में हमने काफी जो समय लिया उसमें मुझे लगता है और कुछ क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि काफी जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, इस विवाद ना खड़े हो, इसलिए मैं इसको अपने तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बोला। हूँ। तो हमने ये कहा था कि यादव समाज की उत्पत्ति या उस तरीके से उसकी बैकग्राउंड जो हुआ था वो कृष्ण के संदर्भ में उन्होंने अपने आराध्य देव को चुना है, और हमने ये भी कहा था कि वो क्षत्रिय समाज से उनके ताल्लुक है। तो ये वाकई में ऐसा है कि नहीं है, इसमें काफी लोग अपने अपने तर्क रखते हैं। मेरा अपना एक तर्क दृष्टिकोण मैं रखना ये चाह रहा तो हूँ एक पहले। ऐतिहासिक तथ्य ना है, इसमें तर्क की क्या बात है, ऐतिहासिक तथ्य है, इसका इतिहास है, तो ये फैक्ट है, इसमें ये लॉजिक करके कोई थोड़ी ना, कोई क्षत्रिय है उसको कोई दूसरा कोई थोड़ी बना देगा कुछ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा बहुत समय दे, मैं अपने एक अनुमान थोड़ा बहुत रखना चाहूंगा। पहले अनुमान यह है कि कृष्ण तो उनकी जो जन्म है वो मथुरा में हुआ था, बाकी उनको जो आठवीं संतान थी इसलिए उनको नंदगांव भेज दिया गया था। जो नंद बाबा थे वो उनके संरक्षण में उनको यशोदा नंदन कहा गया था। कहने का मतलब यह है कि ये जो देवकी वसुदेव जो भी ये इन दोनों की वंश है यदुवंशी, लेकिन ये नंद बाबा थे वे सामान्य एक सामंत के रूप में थे, और कहने का एक तात्पर्य यह है कि एक राजा की और सामान्य सामंत की एक ही जो बिरादरी कैसी हो सकती है। तो क्यों ये नहीं हो भी यादव सकती है, जी ऐसा के ऐसा किसने कह दिया कि नहीं हो सकती है, कि राजा राजा तो एक ही होता है, तो उसकी बिरादरी का एक ही आदमी रहेगा? नहीं, मैंने अभी एक अनुमान लगाया। नहीं, वो ये अनुमान सही नहीं ना है, ये कहीं पर भी लागू नहीं होगा कि एक बिरादरी का एक ही आदमी रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है, तो फिर वो बिरादरी नहीं कहलाएगी ना जिसमें एक ही व्यक्ति रहता हो। नहीं, ये यादव कैसे एक सामान्य सामंत अपने आप को उस राजा की बिरादरी वाले वंशज के संबंध में कैसे ये हो सकता है? मैं इसको दूसरे एक तथ्य हो पर ले सकता है, हो जाता सकता है, हूँ। ये इसका आधार तथ्य है, ये कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, वो एक दूसरी पक्ष में ले जाना चाहूंगा। क्षत्रियो में भी अधिकांश बहुत सारे एक वर्ग हमने एक मॉडर्न जमाने में भी देखने की जरूरत है। इसमें ऐसा है कि जैसे वॉचमैन से लेके थोड़ी देर रुक जाएं। हाँ जी क्या कंटिन्यू करूँ क्या? हाँ हाँ कंटिन्यू। तो एक और महाभारत के संदर्भ में एक और संदर्भ आता है, इसमें कर्ण के मैं संदर्भ ले जाना चाह रहा हूँ। कर्ण तो शायद वो क्षत्रिय थे, लेकिन उनको सूत पुत्र कह के वो
पांडव उस संदर्भ में जो स्वयंवर के संदर्भ में उनको जो द्रौपदी के जो मैरिज प्रपोजल है उसको उन्होंने मना कर दिया। हाँ तो उसके आजीविका थे ना, उसके उसके पिता की आजीविका थी वो। बाद में वो अंगराज भी बने और उसके बाद में अगर देखा जाए तो कृष्ण आके समझाते हैं कि असल में ये पांडव ही है, ये आपके सबसे अनुज जो है पांडव है, आप ही के बिरादरी वाले हैं। तो लेकिन नहीं नहीं बिरादरी वाले नहीं है, आपके भाई हैं। अंगराज तो अंगराज तो पहले से ही जो है वो तो वहाँ भी शिक्षा ले रहे थे, उन्हीं लोग के साथ शिक्षा पा रहे थे, पांडवों के साथ ही कौरवों के साथ ही द्रोणाचार्य के यहाँ शिक्षा पा रहे थे वो। हाँ पा रहे थे वो तो दुर्योधन के कारण उनको स्वीकार कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब नहीं उनको क्षत्रिय बोला गया है, अगर महाभारत आप देखेंगे ना तो कर्ण को वो तो उनको अंगराज बना दिया गया। हाँ वो तो अंगराज बना दिया गया लेकिन उनको जब बनाया नहीं था तब भी वो क्षत्रिय में ही माना जाता था। नहीं नहीं आप तो समझे नहीं, इसको एक और मैं सामान्य एग्जाम्पल पे ले जाना चाहूंगा कि क्षत्रिय कोई जाति नहीं होती है ना, क्षत्रिय वर्ण होता है। नहीं 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 मैं आप उसको जाति से कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं इसी के ऊपर भी अपने एक लॉजिक को ले जाना चाह रहा हूँ। एक सामान्य एग्जांपल है जैसे कि वॉचमैन है, वॉचमैन भी एक क्षत्रिय पे आते हैं, पुलिस भी क्षत्रिय में आते हैं, और इसमें जो है अंत में जो कमांडर है आर्मी का वो भी एक क्षत्रिय है। इनमें डिफरेंस क्या है कि ट्रेनिंग के डिफरेंस है, इनमें जो क्षमता है लड़ने की तो कॉमन है लेकिन इनमें जो लड़ने की जो ट्रेनिंग है वो अलग अलग है। जो ट्रेनिंग अलग है, शिक्षा अलग है, रैंक अलग है, वेतन अलग है, भत्ता अलग है, बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ अलग है। ये भी है कि वॉचमैन जो है इनके जो रिक्रूटमेंट में वो उनके अंडर काम करते हैं, समझ रहे हैं कि जो कमांडर है कमांडर के नीचे लेफ्टिनेंट है, उस तरीके से बाकी सैनिक उनके नीचे काम करते हैं। वो क्षति तो जरूर होंगे लेकिन उनको लड़ने के लिए जो रणनीति बनाते हैं वो कमांडर बनाते हैं, और वो क्यों लड़ते हैं इसके भी कहाँ लड़ना ये तो क्षत्रिय हो सकते हैं, इनमें क्षमता भी हो सकती है। ये इसमें एक और एग्जांपल सामान्य देखिए, सामान्य नेता या कॉर्पोरेटर से लेके जो प्राइम मिनिस्टर तक उनको भी नेता बुला जाता है लेकिन इनमें जो क्षमता है वो अलग अलग है। जो पोटेंशियल तो है एक कॉर्पोरेटर सामान्य कॉर्पोरेटर तो उनका वर्ग एक ही ना हो गया, वर्ग एक ही है, भले उस वर्ग में के भीतर भी वो कैटेगरी के भीतर भी सब कैटेगरी होती है। कहना का मतलब यह है कि इनमें पोटेंशियल तो है एक आ, 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 बहुत बड़े राजा बनने के लेकिन वो इनके सेना में अंडर काम करते हैं। ये कहने का मतलब यह है कि ये सामान्य जो राजा जो उनको पैसे देके उनको काम कराते हैं उस तरीके से वो सैनिक बनते हैं, कहाँ लड़ना है ये राजा निर्धार करता है, कहाँ उनके किस राज्य में। तो वो तो राजा तो राज्य का सुप्रीम होता था पहले, तो निर्धारित तो वही करेगा ना। हाँ तो ये क्षत्रिय इनमें बराबरी या बिरादरी कैसे एक समान कैसे होता है। क्षत्रिय तो एक वर्ण होता है ना, वो व्यक्तिगत नहीं भी वहाँ गया है लड़ने के लिए तो भी अपना घर में भी है तो भी क्षत्रिय हो सकता है, उसके लिए शासन के तहत ही उसका रिक्रूट होना कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं आप तो ठीक है वो अलग बात है, मैं लोगों के विवेक में छोड़ूंगा, मैं इस तर्क को दूसरे तर्क में ले जाना चाह रहा हूँ। जैसे कि हाल ही के दिन में एक विवाद हुआ था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो एक रामचरितमानस की जो कृतिया को बंद किया था उसको जलाया था, तो इसी के संदर्भ में एक अखिलेश यादव से एक उन्होंने एक टिप्पणी दी थी कि यादव
शुद्ध है। और इसमें एक और चीज यह है कि जब ये प्रोपेगेंडिस्ट है, प्रोपेगेंडिस्ट है, ये तो है, ये तो सभी को शुद्ध बना दें अपनी इच्छा से, ये तो जिसको चाहे उसको शुद्ध बना दें। इनको प्रोपेगेंडा करना है, हिंदुओं को लड़ाना है, अपना एक वोट बैंक तैयार करना है। और कोई को सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता है वो, यादव शूद्र है, यादव के विषय में जो लिखा हुआ है शास्त्र में वो माना जाएगा कि ये मौर्य को माना जाएगा, ये कौन होता है बताने वाला, ये कौन विद्वान है, बांस आके कर ले। एक और चीज ये है कि इनका कहना है कि ऐसे उदाहरण मत दिया कीजिए ना, ऐसे का उदाहरण दीजिए जिस व्यक्ति की मान्यता हो, जो विद्वान हो, जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, वैसे का दीजिए ना। ऐसे चिरकुट लोग हैं, ऐसे नेता लोग हैं, दो कौड़ी के नेता लोग हैं, ये लोग वोट के लिए कुछ भी बोल देते हैं, इनका प्रमाण नहीं माना जाएगा। नहीं नहीं, ये इनका ये भी कहना है कि जब ये योगी जी चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे या बने थे, अरे हम तो यदुवंशी जो है हम तो महाभारत से न देखेंगे और पुराणों से न देखेंगे कि यदुवंशी क्या है, क्षत्रिय है कि शूद्र है, कि ये मौर्य से हम उसका सीखेंगे। नहीं, मौर्य की बात नहीं हो रहा है, मैं हाँ। मैं इनके अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ, उनके समर्थक के मुताबिक ये कहना है कि योगी जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने अखिलेश को शूद्र कह रहे हैं। मौर्य कौन? मौर्य वही आपका जो मौर्य है वो अखिलेश को शूद्र कह रहा है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा था, स्वयं इनके ही बयान है, अखिलेश यादव जी के ही बयान है। क्या यादव शूद्र है? हाँ, यादव शूद्र है, उनके ही। अखिलेश को पढ़ना चाहिए ना जाके, महाभारत और गीता पढ़नी चाहिए और वो देखना चाहिए कि शूद्र है कि क्या है। भगवान कृष्ण तो कभी नहीं कहा कहीं भी कि मैं शूद्र हूँ। नहीं, एक और चीज ये है कि इनके समर्थक वर्ग ऐसा कहते हैं कि जब योगी जी बने थे तो तब गंगा जल से उनके आसन को धोया था। हाँ, तो धोया था, इसलिए धोया था कि ये सब ये इन लोगों ने जो पाप कर्म किया है उसके कारण धोया था, उस प्रतीक रूप में कि इन लोग के जो पाप कर्म है उसको धोया जाए। तो इनका कहना है ये इनके कर्म खराब थे उसके वजह से दिया था, इनके यहाँ इनका ये कौन जाति के हैं और किसके हैं उसके कारण नहीं धोया गया था। योगी जी ने स्पष्ट किया था इस चीज को। ठीक है, ये बयान आया होगा तो इनके समर्थकों की ये कहना है कि उसी बयान को ये जातिवादी दृष्टि से उनको कहते हैं कि ये योगी जी थोड़ा बहुत तो उच्च सवर्ण है, इसलिए इनको इस तरीके से करना पड़ा, इस तरीके से वो एक विवाद वो खड़ा करना चाहते हैं। ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये लोग हर जगह जाति देखते हैं, क्योंकि इनके पास जो है ना, न देश के लिए, न राज्य के लिए, न जनता के लिए, न विश्व के लिए, किसी के लिए इनके पास न आर्थिक नीति है, न सामाजिक नीति, कोई नीति नहीं है सिवाय जाति के। ये जाति जाति ही बोलते रह करके जिंदा है, उसी से मर जाएंगे। नहीं, इनके उनका चलता है और इनके पास कुछ कोई एजेंडा नहीं है जाति के सिवाय। आरक्षण जाति की हो चुकी है, अब उसमें आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के चक्कर में लगे हैं सब, और क्या कर लेंगे। हम उनके मुद्दे पे भी आज थोड़ा बहुत आएंगे, टच करेंगे यहाँ पे। एक और उनके जो बुद्धिजीवी है जैसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो या ललित तरई सिंह करियार सिंह यादव हो, वो दोनों अपने यादव समाज को शूद्र। अरे इनको जो भी सिद्ध करना है, प्रॉब्लम ये है ना कि आप उसी भीड़ में जाके क्यों सिर्फ बोलते हैं जिस भीड़ को आप संबोधित करना चाह रहे हैं, उस भीड़ का आप खुद हिस्सा है। आप वहाँ सबके बीच में बोलिए ना, और विद्वानों के बीच में जाके वो डिबेट क्यों नहीं करते हैं? डिबेट कर लीजिए कि भाई कौन क्या है। लक्ष्मण यादव बहुत विद्वान है, तो राम भद्राचार्य से जाके क्यों नहीं बहस कर लेते हैं, उनसे बहस कर लें, पता चल जाएगा कितने बड़े विद्वान हैं। नहीं, उनका अपनी मत है, वो क्या है क्यों नहीं है ये सब वो तो वो जाने। ये मूर्खों के बीच में विद्वान बनते रहते हैं और कुछ नहीं है, जहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, जहाँ इनके मत के फॉलोअर पहले ही से हैं, उन्हीं के बीच में अनर्गल बात बोलते हैं ये, बस इनका तो ये बस यही है। तो इनकी बात मत बोलिए, विद्वानों की बात बोलिए, तो जो सुनने वाले हैं हमारी और आपकी चर्चा जो लोग सुनेंगे तो उनको कुछ लगे कि कुछ बेहतर उनको मिला, कुछ सार्थक मिला। ऐसे चिरकुटों की बात करके समय बर्बाद करने से क्या फायदा है? नहीं, मैंने स्पष्टीकरण देने के लिए ये सब कहना पड़ा, क्योंकि लोग ये ना कहे कि मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, ये सब यादव समाज से ही आ रही है, इस तरीके से मैं इसको अपनी तरफ से एक ये कह रहा हूँ।
क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। यादव समाज कभी चाहेगा कि वो क्षत्रिय से शूद्र हो जाए? पहले ये बताइए क्यों यादव समाज चाहेगा, यादव समाज को कौन सा गौरव हासिल होगा शूद्र अपने को कह करके? नहीं वो तो रिजर्वेशन की बात है, वो उनकी एक रिजर्वेशन, उनको बैकवर्ड क्लास का मिला हुआ है, अब क्या उनको अनुसूचित जाति में मिलना चाहिए? वो उसी 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 श्रेणी में जाकर चले जाएगा वो अनुसूचित जाति में उनको चाहिए? या तो वे ये कहें कि मुझे सारे आरक्षण मुझे दे दो, सारे सीट मुझे दे दो, मैं ही सवर्ण भी हूँ, मैं ही बैकवर्ड हूँ, मैं ही वैश्य हूँ और मैं ही शूद्र हूँ। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा ना सब मैं ही हूँ, तो उसी तरह से ये बोले कि सब मैं ही हूँ इसलिए सारा आरक्षण मुझे दे दो, या तो ऐसे ही बोले। जब इतना सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हो, दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो, फिर तो यही हुआ कि बस मैं ही सारी भर्ती में मैं ही रहूं, कोई नहीं रहे। हाँ मैं ही ब्राह्मण, मैं ही क्षत्रिय, मैं ही वैश्य, मैं ही शूद्र, मैं ही असुर, मैं ही सूर, सब मैं ही हूँ। तो फिर तो यही बोले तो ठीक है, ये तो लाल मेल झूठ मूठ का करना, बकवास करना है, कुछ नहीं है। ये तो ठीक है, अपनी जगह है, हम अपने उसके लिए बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड फैसला करेगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फैसले होते हैं और वे सब फैसला करेंगे, जो भी होगा अपना, यही लोग शूद्र बन जाए, यही लोग पिछड़ी जाति भी रहे, यही लोग जो है जो चाहे सो सब रहे। लेकिन समाज में क्या भला होने वाला है, मेरा ये कहना है। नहीं वो एक राजनीतिक सोच भी हो सकती है, या कोई भी उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है, यादव की अपनी एक सोच है, अपनी एक पॉलिटिक्स है, वो क्या है। अभी भी जो भी अपने आपको क्षत्रिय तो मानते हैं, लेकिन वो भी सीमें है, वो अपने रिजर्वेशन के लिए भी उन्होंने रिजर्वेशन मिला हुआ है भैया, ऐसा थोड़ी रिजर्वेशन उनको नहीं मिला हुआ है। हाँ मैं उसी मिला हुआ है, ये कोई नीति थोड़ी होती है कि सब कुछ मुझे ही दे दो, सारा मैं खा जाऊं बाकी लोग भूखे मर जाए। हाँ नीति होती है, नीति का मतलब होता है जिसमें कि आपका भी भला हो, औरों का भी भला हो, आपको आपके अनुसार आपके जितने आप योग्य हैं उसके प्रतिभा के हिसाब से आपको मिल जाए, जितने के आप पात्र हैं उतना मिल जाए। ये थोड़ी है कि सभी मैं ही खा जाऊंगा, हर चीज मैं ही ले लूंगा, तो ये तो बदमाशी है और कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई कहता है कि सब मुझे ही दे दो तो फिर तो बदमाशी हो गई उसकी। तो ठीक है, इसको एक समय तक हम बाद में देखेंगे, ये राजनीति क्या है क्या नहीं है। कोई भी जाति हो अगर वो कहेगा कि हर कैटेगरी का आरक्षण हमें ही दे दिया जाए, बाकी उससे जो है बाहर कर दिया जाए, तो वो तो उसकी बदमाशी ना होगी, शरारत ना है इसकी? नहीं अभी तो हम जिस टॉपिक के ऊपर हम अब जो डिस्कशन कर रहे हैं उसी बैकग्राउंड में कैश सेंसस भी हुआ पिछले महीने, उसी बैकग्राउंड में ये भी हुआ कि महिला आरक्षण की जो संसद में बात भी आई। तो इसी तरीके से अभी मंडल राजनीति भी अपनी एक पकड़ रही है। असल में इन लोग के पास, मैंने आपको जैसे बताया ना कि इन लोग के पास कोई भी चीज सार्थक देने की नहीं रह गई है, उसके बारे में ये विचार नहीं करते हैं, ये बस खाली आरक्षण आरक्षण आरक्षण। अरे आरक्षण तो चलते आ रहा है अम्बेडकर के समय से, अब कितना आरक्षण भाई, उसी चीज को तुम कितनी बार बांटोगे, तो रोज रोज वही बांटना है, रोज रोज वही गिनना है, कभी इधर इधर वाली जाति को उठा कर उसके वाले कैटेगरी में फेंक दिए, कभी उसके वाले कैटेगरी को उठा हटा कर दूसरे वाले में डाल दिए। हम यहाँ पर मैं देखता हूँ गौणों को कभी जो है शेड्यूल ट्राइब में डाल देते हैं, कभी शेड्यूल कास्ट में डाल देते हैं, कभी जो बैकवर्ड क्लास में डाल देते हैं, बेचारे वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए परेशान रहते हैं कि हम इस बार किस में जाएंगे, जैसे सरकार बदलती है वैसे उनका वो बदल देते हैं। शायद उनकी उपजाति भी होगी, जैसे कि यादव की भी उपजाति होती है, उस तरीके से ये भी होगी। हाँ एक और चीज मैं कहने वाला था इसके संदर्भ में भी, यादव के संदर्भ में भी, इनके जो क्षत्रिय होने की जो क्लेम है वो उस संदर्भ में आती है कि जब जाटों की भी एक राजा हुआ करते थे, राजा सूरजमल, तो उस समय कालखंड में आते हैं ये लोग, जब मुगल शासन बहुत कमजोर हुआ था, तो जाटों की जाट राजा के सूरजमल जाट बिरादरी,
क्षत्रिय होने की एक क्लेम है ना, तो उसकी जाट बिरादरी भी क्षत्रिय है और दोनों में ऐसे वो। हाँ मैं उसी के समय में जा रहा हूँ कि वो तो उस समय पहले जो राजपूत जो कालखंड थी उस समय वो राजस्थान से उनकी ये रूल कर रहे थे, लेकिन जब मुगल शासन के अंत में वो पानीपत के संदर्भ में जो हम राजा सूरजमल के जो भूमिका देख रहे हैं उस संदर्भ में काफी जो उनकी शक्ति जो है स्थापित हो गई थी जाटों की, अपनी जो दिल्ली वेस्टर्न यूपी उस तरीके से वो अपने दरबार रूल कर रहे थे, तो उस संदर्भ में उनकी जो क्षत्रिय होने की क्लेम है उसमें थोड़ा बहुत दम है। और दूसरे एक और चीज है, यादव की भी एक राजा हुआ करते थे, राजा यादवों के तो बहुत राजा हुए, कोई एक दो राजा हुए हैं, हजारों हजारों राजा हुए हैं। राव तुला करके एक राजा है, उनकी मैं बात कर रहा था, वो भी अब एक अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे इस तरीके से। कृष्णदेव राय दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय थे, वही थे के संदर्भ में कह रहा था कि जो यादव आप कह रहे हैं वो एक कृष्णदेव राय है या यहाँ पे महाराष्ट्र के भी। हाँ, महाराष्ट्र में भी हुए हैं, यादववंशी है, लेकिन हाँ। वो एक अलग है, ये अलग इसलिए है कि ये लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं इस बिरादरी के लोग, यहाँ या जो यादव है वो अधिकांश शाकाहारी है और ये लोग पशुपालन नहीं करते थे, कुछ लोग है पशुपालन करते हैं, उनके जो छत्रपति शिवाजी के कालखंड में जो समय था वो क्षत्रिय थे, बाद में जो ब्रिटिश काल में जो उनकी आर्थिक परिस्थिति कमजोर होती गई तो वो भी पशुपालन में लग गए, तो ये अलग बिरादरी है। लेकिन क्योंकि यादव है इसलिए यादव समाज अखिल भारत यादव समाज करके इनको भी इस बिरादरी के लिए जोड़ा जाता है, लेकिन आप देखते हैं अधिकांश यादव। अच्छा, ये बताइए कि इस डिस्कशन का फायदा क्या है हम लोग का या समाज को, हम लोग तो जाति विहीन समाज की स्थापना की बात करते हैं, जातियों का लेके पछड़ा क्या ढोना है इतना। ढोना तो नहीं है पर ये एक सार्वजनिक एक जनरल नॉलेज के लिए हम सब ये डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी इसमें ऐसा है कि अपने लोग अपने अपने जाति के ऊपर बहुत कुछ कह रहे हैं कि जैसे कि आज देश में तो ऐसे ही तो विभाजनकारी नीति है ना, ये अपने अपने जाति का अपना अपना समाज बना लिए हैं और सभा कर रहे हैं, फिर वे लोग पॉलिटिकल जो है उसका लीडर चुन जाता है, फिर वे जो है दलाली करते हैं, जो बड़ी पार्टी है उसे पैसा खा करके अपने जाति का वोट उधर कराना इधर करना, ये करते धंधा और क्या करते हैं। ये तो है, एक और चीज आपने रिसेंटली सुना होगा, यहूदी ही यादव है, इस तरीके से एक और प्रोग्राम चल रहा है। नहीं ऐसा है ना कि वो बात उस बात में कुछ सच्चाई है तो उसका महाभारत में भी जिक्र आता है कि तो यहाँ से जो है जो मौसल पर हुआ था तो जो यादवों की लड़ाई हुई थी आपस में उसके बाद द्वारका डूब जाने के कारण जो है भगवान कृष्ण कहे कि भाई जिसको जिधर जाना है उधर चले जाओ, और लड़ाई से वो हट करके वो इधर इस तरफ माइग्रेट कर गए सब, तो वो माइग्रेट कर गए तो उसमें से कुछ चले गए तो वे सब यहूदी कहलाए उधर जा करके, और वो इसीलिए जो है ना वे कुछ मूर्ति पूजा वगैरह और कुछ यहूदियों में जो मूर्ति पूजा के प्रति टॉलरेंस है वो इसीलिए है, वे कृष्ण को मानते रहे। हाँ तो नहीं नहीं यहाँ पे मैं तो चीज रोक रहा हूँ थोड़ा बहुत, ये है कि वो अपने लिंग को कटवाते हैं तो यादव यहाँ पे उस तरीके से नहीं ऐसा है ना कि वहाँ पर जो है ना उधर चले गए ना अलग जगह जो जला जाता है तो कुछ अलग रीति रिवाज भी जो है अपना लेता है, तो उस तरफ वे जब चले गए हैं तो फिर उधर का जो क्षेत्र था उस तरफ जो कुछ रीति रिवाज थे उसको उन लोगों ने अपना लिया,
तो उसके कारण है। लेकिन बहुत सारे यहूदी जो है, सारे यहूदी नहीं भी तो बहुत सारे यहूदी जो है वो यादव भी गए हैं, जाके यहूदियों में मिल गए। ऐसा नहीं कि सारे यहूदी यादव थे, ऐसा नहीं है। यादव जाकर के यहूदियों में मिल गए। जैसे कोई माइग्रेट करता है कोई समाज, तो जाकर के कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं कि सारे यहूदी जो है यादव थे, ये जो कहता है वो सही नहीं है। यहाँ से यादवों का कुछ ग्रुप गया और जाके उन लोगों में खप गया। नहीं, जैसे इतिहास से क्यों कह रहे हैं, मैं उसको अब तो वह उसका वैज्ञानिक प्रूफ तो वहाँ के डीएनए से ही पता चलेगा। डीएनए का जब टेस्ट हो जाएगा तो यहाँ के इंडिया का जो भारत का जो डीएनए है और उन लोग का डीएनए टेस्ट होगा तो उसमें पता चलेगा कि रियल सेंस में क्या है। हिस्ट्री में तो ठीक है, पुराणों में महाभारत में सब में है कि भाई कुछ लोग माइग्रेट किए हैं यहाँ से। नहीं, मैं ब्राह्मण वगैरह में भी कुछ पता है। ये तो आपने इतिहास की बात कही, मैं इसको अलग तरीके से देख रहा हूँ। इसको आप जो क्यों न्यूज में, आजकल जो है टेस्ट करना कठिन नहीं है। आजकल डीएनए टेस्ट होता है, उससे जो है क्लियर कट जो है इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अगर वहाँ को कोई ग्रुप अगर ऐसा होता है जिसका डीएनए बहुत ज्यादा इंडिया से मिलेगा तो मान लिया जाएगा कि हाँ भाई इंडियन सब जो है। नहीं, मैं इसको राजनीतिक की दृष्टि से देख रहा हूँ, इसको अभी क्यों डिस्कशन हो रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। चलिए, हाँ इसको थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है, देखेंगे अलग दृष्टिकोण। हाँ ठीक है, हाँ कही है, उसमें कही है।